नमस्कार, आप देख रहे हैं खबर जगत। सिद्धार्थनगर जिले में सपा के दिग्गज नेता रहे स्वर्गीय नरेश सिंह की पुण्यतिथि समाजवादी पार्टी के लोगों ने मनाया। इस मौके पर जिले के सपा के तमाम नेता मौजूद रहे, साथ ही लोगों की काफी भीड़ रही। इसके अलावा सपा के लोगों ने 2022 में एक बार फिर से सपा की सरकार बनाने का संकल्प लिया। आपको बताते चले कि स्वर्गीय दिनेश सिंह जिले के कद्दावर नेता रहे हैं और मुलायम सिंह सरकार में मंत्री भी रहे हैं। इनके समय में शोरतगढ़ विधानसभा में काफ़ी विकास का काम भी हुआ है। स्वर्गीय दिनेश सिंह की यह 11वीं पुण्यतिथि है। इनकी पुण्यतिथि हर साल बड़े ही धूमधाम से मनाई जाती है, जिससे क्षेत्र के काफ़ी लोग इकट्ठा होते हैं। खबर जगत के लिए सिद्धार्थनगर से बजरंगी प्रसाद चौधरी की रिपोर्ट। आप ये पुण्यतिथि क्यों मना रहे हैं? अब ये विगत वर्षों से स्वर्गीय दिनेश सिंह मेरे पिता जिनकी 11वीं पुण्यतिथि है, विगत कई वर्षों से जब से उनका देवासान हुआ तब से लेकर के आज 11 वर्ष से लगातार यह कार्यक्रम चलता आ रहा है। क्या उनके गरीब मजलूमों और संघर्ष की कोख से निकल करके उन्होंने जो विकास की गंगा स्वर्गीय में बहाई, इसी सोच को लेकर के हम लोग उनको याद करते हैं, नमन करते हैं। लेकिन एक चीज और भी कहना चाहता हूँ कि आने वाले 2022 के लिए भी हम लोग तैयार हैं, क्योंकि ये तानाशाही सरकार, गुंडों की सरकार, जुल्मी सरकार पूरे देश पे अपना कहर बरपाए हुए है और बेरोजगारी का वो आलम है कि पूरे देश में हाहाकार मचा हुआ है। और इन सब तमाम मुद्दों को लेकर के हम लोग निश्चित रूप से स्वर्गीय दिनेश सिंह को याद करते हुए उनके संघर्षों की लड़ाई हम लोग निकल करके महलों से निकल करके सड़कों पर लड़ करके और आने वाली 2022 में अखिलेश यादव जी की सरकार बना करके समाजवादी पार्टी को और दिनेश सिंह के सपनों को पूरा करेंगे।